अच्छा, शाम के 6 बज रहे हैं और इस वक्त ये जमे गफीर आप देख रहे हैं कि रोज़ा इफ्तार से तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट पहले आवाम का जमे गफीर नज़र आ रहा है और ये मज़ीद बढ़ता ही जा रहा है। और ये यहाँ पर अब इन्होंने 6 बजे स्टार्ट कर दिया है और आवाम आप देख सकते हैं बता रही है आवाम ही कि इसका टेस्ट कैसा होगा। तैयारी हमने आपको दिखा दी है, टेस्ट हम टेस्ट करके आपको बताएंगे। भैया कैसी जगह है और कैसा लगता है? ज़बरदस्त जगह है जी, और उम्मीद करते हैं कि टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा। आपने पहले ट्राई किया? नहीं, पहले ट्राई नहीं किया, इट्स माय फर्स्ट टाइम। होपफुली है। सॉरी, मैं गुलशन से आप ले आ रही आए हैं सिर्फ ये ट्राई करने? आप कहाँ से? मैं नाजमाबाद से आया हूँ। नाजमाबाद से आप ले आ रही आए ये ट्राई करने? जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि कराची के हर इलाके से यहाँ पर लोग मौजूद हैं सिर्फ ये ट्राई करने के लिए। यहाँ पर रश लगा हुआ है, आप जमे गफीर देख सकते हैं लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन से इलाके से हैं? मैं यहाँ करीबी खारादा से आया हूँ। आपने पहले ट्राई किया? नहीं, फर्स्ट टाइम आए। फर्स्ट टाइम। बस इनको बोले सर्फ जरा जल्दी कर दें ताकि लोग जल्दी घर पहुँचे। जल्दी पहुँचे। रश तो यहाँ पर काफी दिख रहा है। काफी रश है। सोराबगढ़ से आया हूँ। व्लॉग देखे? सोराबगढ़ से आया हूँ। आप सोराबगढ़ से यहाँ पर आए हैं? तो आपने पहले ट्राई किया? नहीं, पहला दफा। क्या कहेंगे? फर्स्ट एक्सपीरियंस। हमारे पास जितने भी हैं ज़्यादातर यहाँ पर फर्स्ट एक्सपीरियंस वाले हैं, सब व्लॉग देख कर आए हुए हैं। किस तरह से इसकी तैयारी होती है और आपको किस तरह से इसका आइडिया है, क्योंकि पूरे कराची से लोग आ रहे हैं, कराची में कहीं और ये चीज़ नहीं मिलती है, तो किसका आइडिया था, कब से आप लोग बना रहे हैं? सर बेसिकली ये हमारा जो नॉर्मल शरबत जो बिकता है दूध वाला, वो तकरीबन 14-15 साल से है, लेकिन ये जो हम लोगों ने इनमें ऐड किया है फालूदा जंगली शरबत के नाम से लोगों ने मशहूर कर दिया, ये 2 साल से हो रहा है। और ये सिर्फ रमज़ान में ही होता है? सिर्फ रमज़ान में ही होता है, और उसकी प्रिपेयरिंग हमारे बड़े भाई हैं, ये खुद करते हैं माशाल्लाह, मास्टर शेफ है। और मैार आपके सामने ही है, सब कुछ देख रहे हैं। पूरे कराची से लोग आ रहे हैं और अभी भी लोग खड़े हैं, पूरे कराची से खड़े हैं। ये आइडिया भी भाई का ही था? जी जी, भाई का ही आइडिया, और आउट ऑफ कराची से मुझे कॉले आई है। अच्छा जी, हमारा फेसबुक में पेज है, गूगल में है, बारबेक्यू का काम है, तो उस हवाले से उस जरिए से हमें कॉले आई है, लेकिन बदकिस्मती से वो महरूम है इस चीज़। क्या क्या कहते हैं आप, रमज़ान के बाद भी हो गए, सिर्फ ये रमज़ानों की सौगात? नहीं, ये सिर्फ रमज़ान की सौगात है। रमज़ान में चूँकि आप देखते हैं कि हर तरफ शरबत और अच्छे खाने, कराची का ये रौनक बन जाता है रमज़ान में, तो इस वजह से हमने सोचा कि यार आवाम की खिदमत कर लें कुछ इस तरीके से। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाती हैं वो तो ज़रा बताएं, ताकि देखने वालों को सब चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। इसमें पहले ऐड होता है बर्फ़, बर्फ़ के साथ फिर फूड कलर होता है इसका, फिर सिरप होता है इसका, एसिस होता है इसका, और ऊपर आप देख रहे हैं टॉपिंग पे फालूदा है, जेली है, होममेड है, और गुलकंद डलता है इसमें, खोया डलता है, बादाम पिस्ता डलता है, चॉकलेट्स डलते हैं, चॉकलेट्स के नट्स डलते हैं इसमें, ये जेली डलते हैं, जेम जेली, आइसक्रीम डलता है इसमें, होममेड डलता है इसमें। सर जितनी चीज़ें हैं, जैसे गुलकंद हो गया, जेली हो गई, ये सब चीज़ आपकी अपनी बनाते हैं या कुछ आप बाज़ार से भी? नहीं नहीं, ये कुछ बाज़ार से आती है, जैसा कि वो जेली हो गया और फालूदा हो गया, वो बाज़ार से आती है, लेकिन उनको जैसा कि घर पे प्रिपेयर करना पड़ता है उनको। मतलब ये आपकी रेसिपी तो आपकी अपनी है? रेसिपी हमारी अपनी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया।